हेलो, गुड इवनिंग चिल्ड्रेन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स. आज हम नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स बताना चाहूँगा, जो कि हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स जो कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. उसके बाद में है नंबर लाइन, सीइंग पैटर्न्स, आइडेंटिफाइंग एंड फॉर्मुलेटिंग रूल्स फॉर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स. ओके, चलिए मैं आप इन टॉपिक्स को मैं आपको डिटेल में इधर बताते जाऊंगा नीचे, जो भी आगे टॉपिक आती रहेगी. पहले टॉपिक है नेचुरल नंबर्स. ऐसा माना जाता है कि नेचुरल नंबर्स को 4000 साल पहले एक व्यक्ति के द्वारा खोजे गए थे. ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, और ये नंबर 1 से स्टार्ट होकर के आगे तक जाते हैं जहाँ तक हम इन्हें गिन पाएँ. एक स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन होती है वो नंबर लाइन को दिखाती है, जैसा कि यहाँ पर ये फिगर में देख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं होल नंबर्स के बारे में. होल नंबर्स होते हैं जिसमें ज़ीरो आता हो. ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखा है. पहला क्वेश्चन का, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लास हु आर मोर देन 20 ईयर्स ओल्ड. योर आंसर विल बी ज़ीरो. इज ज़ीरो अ नेचुरल नंबर? क्या ज़ीरो नेचुरल नंबर है? नहीं, आंसर नो. देखिए यहाँ पर हिंदी में आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा है कि आपके क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 साल से ज़्यादा उम्र के हैं. तो आप कहोगे कि कोई 20 साल का नहीं है, क्योंकि क्लास 6 में तो कोई 20 साल का नहीं होता. तो आपका आंसर ज़ीरो हो गया. और ज़ीरो क्या नेचुरल नंबर्स में आता है? नहीं आता. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 0 से तो नहीं होते. तो इसलिए 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है. तो 0 नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या है? 0 एक होल नंबर है. यदि हम नेचुरल नंबर्स में आगे 0 ऐड कर दें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं. ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट दैट वी मे यूज़ ब्रेसेस टू राइट अ ग्रुप और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज़ द लार्जेस्ट होल नंबर? और कौन सा सबसे लार्जेस्ट होल नंबर होगा और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? जस्ट एज वी स्टार्टेड विद 1 टू ड्रॉ नेचुरल नंबर्स लाइन, वी कैन स्टार्ट विद 0 एंड ड्रॉ द होल नंबर्स लाइन. देखिए लार्जेस्ट होल नंबर का तो पता नहीं, बट स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है. ठीक है, कंपेयरिंग टू होल नंबर्स. होल नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है आप देख सकते हैं. यहाँ पर ये फिगर बना है, इसकी मदद से आगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कैसे कंपेयर करेंगे. देखिए, द ग्रेटर ऑफ एनी टू होल नंबर इज 1 विच लाइज द राइट ऑन द लाइन. एग्जाम्पल है, 5 इज टू द राइट ऑफ 3, देयर फॉर वी कैन से दैट 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड वी राइट इट जस्ट लाइक दैट. ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं. सबसे पहला फैक्ट है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0. सॉरी, 1 मिनट. हाँ, देखिए, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0 1. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. बिटवीन टू कॉन्जिकेटिव होल नंबर्स देयर लाइज नो होल नंबर. यानी दो होल नंबर्स हो, उसके बीच में कोई तीसरा होल नंबर नहीं आ सकता. जैसे कि देख लीजिए, 0 1, ये खुद में ही दो नंबर है, इनके बीच में यहाँ पर 0.5 होल नंबर नहीं आ सकता. यहाँ पर कोई भी सबसे बड़ा लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है. ठीक है, आपकी जो एक्सरसाइज है ये मैं आपको बता दूंगा. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. वैसे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको बताया जाए. जैसे कि आप जो भी यहाँ पर दिए हुए कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस हैं वो आप पहले चैप्टर में और इस चैप्टर में अभी तक का पढ़ चुके हैं. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जिस जहाँ पर टॉपिक है ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स. ऑपरेशंस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कह सकते हो, या यहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई, हमारे ये चार ऑपरेशंस होते हैं. सबसे पहला ऑपरेशन होता है एडिशन, एडिशन करना. यदि हम किसी भी दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं
तो वो हमेशा होल नंबर ही आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख लिया, यहाँ पर देखिए 2 + 3 लिखा हुआ है और वो 5 आया। हम इसको कैसे रीड करेंगे, रीड एज 2 + 3 = 5, यानी 2 + 3 5 के, यानी 2 + 3 = 5, ठीक है। यहाँ पर जो 5 है वो होल नंबर है, क्यों, क्योंकि यह 0 से स्टार्ट होकर के 5 तक ऐड हुआ है, तो 0 और 5 अगर एक ही बॉक्स में आ जाते हैं तो उनको होल नंबर बोलते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी, ये एडिशन करने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे क्लोज़र प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग ही होते हैं, वीट के सीड्स बोने पर वीट ही होता है, उस तरीके से होल नंबर में होल नंबर ऐड करने पर होल नंबर ही आता है, समझ गए। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर हम अपने घर से चले और लाइब्रेरी पहुंच जाए, इस रास्ते से आए तो भी लाइब्रेरी पहुंचे, इस रास्ते से आए और लाइब्रेरी पहुंचे, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रास्ता चाहे कोई भी हो, हमारा डेस्टिनेशन और हमारा ओरिजिन था एक जैसा, यानी ओरिजिन जहाँ से हमें निकलना था घर से, पहुँचना था हमें लाइब्रेरी, तो वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आएगा। जैसे कि 2 + 3 अगर 5 होता है तो 3 + 2 भी तो 5 हो सकता है, और इस हिसाब से ये दोनों तो आपस में इक्वल हो सकते हैं ना। इसको मैं सेलेक्ट करते हैं 2 + 3 = 3 + 2, यानी ये आपस में इक्वल हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसका भी आंसर 5 आता है और इसका भी आंसर 5, और 5 5 तो हमेशा आपस में इक्वल होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि 2 + 3 लिखो या 3 + 2, आंसर जो है दोनों का वो 5 ही आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि हमारे पास कोई 3 चीज़ें हों और हम उनको ऐड करें, देखिए यहाँ पर लिखे अगर 2 + 3 + 5, ठीक है, और यहाँ पर लिख दे 5 + यहाँ पर लिखे 2 + 3 + 5 और यहाँ पर लिख दे 2 + (3+5), तो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर तो इसका आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप चाहे ब्रैकेट के अंदर की चीज़ बाहर कर दें और बाहर की अंदर कर दें, आंसर जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि मल्टीप्लाई में ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, गड़बड़ कर जाएगी मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन की क्या बात होती है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन का मतलब क्या है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी, यानी कि इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ होल नंबर। जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि ए और बी को अगर आपस में ऐड किया जाए और वो दोनों ही होल नंबर हों, तो जो ऐड करके आंसर आएगा वो होल नंबर ही होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं 3 + 2 = 2 + 3 = 5। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो कहता है कि ए प्लस बी अगर ब्रैकेट में हो प्लस सी करे और ए को बाहर कर दें ब्रैकेट में बी प्लस सी को ऐड करें, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। आप यहाँ पर आप एग्जांपल देखिए 4 + 3 अगर करें प्लस 5 बाहर रखें और बाहर इस तरफ अगर हम 4 को बाहर रख दें और ब्रैकेट में 3 + 5 को रखें, तो आंसर जो है वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। जैसे 7 5 12 होता है वैसे 4 8 12 भी होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी और कुछ उसके बारे में। इफ़ ए इज़ अ होल नंबर देन, यदि ए होल नंबर हुआ तो ए प्लस 0 हो चाहे 0 + a हो, आंसर हमारा a ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 105 283 है, तो यहाँ पर हम 288 3 कर देंगे, वो भी किस प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। अगर अब इन दोनों को ऐड कर दें आपस में तो इनका आंसर सेम आएगा, इसका आंसर ये है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर आंसर हमारा ये ही याद आएगा, देख लीजिए बस सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है तो हमको क्या, हम इस देख लीजिए ये दोनों नंबर इधर दिए हुए हैं, ये नंबर नहीं दिया, तो इस नंबर को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा आसान सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। जो आपकी ये
टू बी एक्सरसाइज है, ये मैं आपको बता दूंगा यदि आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो इसमें से, तो आप ये क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे टॉपिक है सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को माइनस करना यानी कम करना, घटाना। प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की सबसे पहली प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एडिशन प्रॉपर्टी, दूसरी इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। चलिए पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि किसी होल नंबर में से किसी होल नंबर को घटाया जाए तो वो होल नंबर ही आता है, ठीक है। बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 15 वी गेट अ होल नंबर, ठीक है। 15 से 8 को घटाते हैं तो होल नंबर आता है, बट अगर 18 में से 15 को घटाए तो होल नंबर आएगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तब यहाँ पर निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर किसी नंबर में से होल नंबर घटाया जाए तो निगेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। यस, बट उसकी भी कंडीशन है कि वो होल नंबर कब होगा, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ़ ए एंड बी आर होल नंबर, देन ए माइनस बी इज़ अ होल नंबर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इक्वल्स टू बी, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन ए माइनस बी इज़ नॉट अ होल नंबर। यानी कि ए बी होल नंबर होगा अगर ए में से बी माइनस किया जाए, तब कब होगा, जब ए बी से बड़ा हो या फिर ए बी आपस में बराबर हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी दो होल नंबर होंगे, कब, जब ए माइनस बी बी माइनस के इक्वल ना हो। होल नंबर्स तो होंगे ए और बी बट आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसलिए इनका रिजल्ट जो होगा वो होल नंबर नहीं होगा, ठीक है। पॉसिबल नहीं है कि हर बार होल नंबर हो भी सकता है बट कभी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ए हमने 4 लिया और बी हमने 3 लिया, तो ए माइनस बी तो करेंगे तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, बट अगर बी माइनस ए करेंगे यानी 3 माइनस 4 करेंगे तब तो -1 आएगा, और -1 तो कोई अभी तक हमने ऐसा नंबर पढ़ा ही नहीं है, हालांकि आगे पढ़ेंगे। इसको निगेटिव नंबर बोलते हैं, और ये 1 ये तो होल नंबर है, ये निगेटिव तो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी माइनस ए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो उसका भी कहना यही है कि ये होल नंबर्स के प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत पहली बात तो आती नहीं है, ठीक है। बट मान लीजिए अगर आ भी गई तो इसका कहना कि ए बी से अगर 3 होल नंबर हैं एंड सी इज़ नॉट इक्वल टू 0 और सी 0 के इक्वल नहीं है, तो ए माइनस बी माइनस सी कभी भी ए माइनस बी माइनस सी के इक्वल नहीं होगा। यानी कि 8 माइनस 3 ब्रैकेट में -2 लिखे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ 3 आया आंसर, यहाँ 7, या हमेशा आपस में इक्वल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हमेशा की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो ये कहती है कि यदि किसी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर जो होता है वो खुद ही वही चीज़ आती है जिसमें से 0 सब्ट्रैक्ट किया होता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, 5 में से 0 किया सब्ट्रैक्ट तो 5 ही आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनवर्स ऑपरेशन। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में से किसी चीज़ को घटाए और जो आंसर आया उसमें वही चीज़ ऐड कर दे जिसमें जो चीज़ घटाई गई थी, तो वो आंसर जो है जो हमारा पहले का होता है वही आ जाता है। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, 18 माइनस 7 आंसर आता है 11, और 7 में यदि हम 11 ऐड कर दें तो 18 आ जाता है। इसका मतलब ये इनवर्स ऑपरेशन कहता है कि जिस चीज़ को हम लें, अगर जो आंसर आया है और जिसको घटाया है, यानी मान लीजिए हमने 4 लिया, 4 में हमने 2 ऐड मीन्स 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 2 आया, और ये वाले 2 इसमें हम ऐड कर दें तो 4 आ गया, यानी ये इसके इक्वल हो गया। तो यही तो हमारी क्लोजर इनवर्स प्रॉपर्टी है। चलिए अब हम कुछ आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी एक्सरसाइज से पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू चिल्ड्रेन, वियर मास्क एंड यूज़ हैंड सैनिटाइज़र।
ओके, थैंक यू.